सादे लिबास में दौड़ते दिख रहे लोग वो पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने हरियाणा के फरीदाबाद से नू हिंसा के एक आरोपी और खुद को गौरक्षक हिंदूवादी नेता बताने वाले बिट्टू बजरंगी उर्फ राजकुमार को गिरफ्तार किया। बिट्टू बजरंगी उर्फ राजकुमार पर दंगा, सशस्त्र डकैती और आपराधिक धमकी सहित कई आरोप लगे हैं। हरियाणा के नूह में हुई सांप्रदायिक हिंसा से पहले बिट्टू बजरंगी के बयान और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिसमें वो भड़काऊ बातें करता दिखा था। इन वीडियो में तब उसने जो कहा वो अब हम आपको सुनवाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो बातें सुने जाने लायक नहीं हैं। इंडिया टुडे आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक नू की एसपी उषा कुंडू ने बिट्टू बजरंगी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। एसपी उषा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर ही बिट्टू बजरंगी उर्फ राजकुमार की गिरफ्तारी हुई। पुलिस अधिकारी ने शिकायत में आरोप लगाया कि हिंसा वाले दिन उन्होंने बिट्टू बजरंगी को हथियारों के साथ यात्रा में भाग लेने से रोका था। उषा के मुताबिक तब बिट्टू ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, वो कथित रूप से अधिकारी की गाड़ी के आगे बैठ गया था, इसलिए दंगे के अलावा उस पर लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने के आरोप में केस दर्ज हुआ था। जब पुलिस ने बिट्टू बजरंगी पर शिकंजा कसा तो विश्व हिंदू परिषद ने भी उससे किनारा करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। अंग्रेजी अखबार मिंट के मुताबिक 45 वर्षीय राजकुमार, जिसने अपने पुकार के नाम बिट्टू के आगे बजरंगी लगा लिया था, कुछ साल पहले तक गाजीपुर और डबुआ मार्केट में सब्जी फल बेचता था। 3 साल पहले उसने गौरक्षक समूह फरीदाबाद गौरक्षक बजरंग फोर्स बनाया और खुद को उसका अध्यक्ष बताने लगा। बजरंग दल से जुड़ने के बाद उसने अपने नाम के आगे बजरंगी लगाना शुरू कर दिया। हिंदी अखबार हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी का विवादों से पुराना रिश्ता है। उसके खिलाफ फरीदाबाद के डबुआ और धौंज पुलिस थानों में धार्मिक उन्माद फैलाने, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो डालने और इलाके में अशांति फैलाने जैसे कई मामले पहले से ही दर्ज हैं। आपको बता दें कि नू और उसके आसपास के इलाकों में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान फैली सांप्रदायिक हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 60 FIR दर्ज की है, जबकि 242 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के मामले में 11 लोगों पर केस दर्ज हुआ है, जिसमें से एक की गिरफ्तारी हुई है।